आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में कवरई थाना क्षेत्र के उटिया गांव में तेज रफ्तार ओवरलोड अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। मामले से नाराज पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से अभद्रता के शक्कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कवरई थाना क्षेत्र के उटिया गांव में रहने वाली रागिनी अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रही थी, तभी अनियंत्रित ट्रक में टक्कर मारकर कुचल दिया। इस घटना से महिला की मौके पर ही मौत हो गई और परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और परिजनों के साथ पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। पुलिस प्रशासन के इस रवैया से परिवारजन बेहद आहत हैं। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। ये जो है तो बहू की निर्मम हत्या हो गई, जैसा हो गया एक्सीडेंट में जो चक्की नीचे आने की मौत हो गई। डंपर का नंबर तो लड़कों के पास है, मेरे पास नहीं है। बाद में जो है हम लोगों के साथ जो है गलत सलूक किया, मारा पीटा और उठा के लाश को यहाँ ले आए, पता नहीं चला। हम 15 हो या 25 हो, 20 लोग जो पहुँचाने गए थे मोहल्ले के, 4 लोग जो रुकते हैं वो भेजने जाते हैं। अब घर का गार्जियन तो होते ही नहीं रहता, पुलिस में डंडो जहाँ घटना स्थल के यहाँ बैठे थे हम तो लाश के पास। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।